हम मन बनाया है एनडीए को बीजेपी को वोट देने। पहले इंडिया में घुस के पाकिस्तान मारता था, आज मोदी जी घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं। इससे बड़ा विकास और क्या चाहिए? शांति है कश्मीर में, पतलबाजी नहीं हो रही है। तो चाहते कि बीजेपी से ये लोग हट जाए। देखिए, जिनका अगर वोटर अगर सही है वो कभी भी बीजेपी को छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा, क्या ऐसा खास है एनडीए में कि एनडीए के साथ जाने? पारंपरिक हम हमेशा वोट देते आए हैं, इस बार भी देंगे। और क्या चाहिए मोदी से देश को? आज अमेरिका जैसा देश इंडिया के आगे झुकती है। किन के साथ जाना चाहेंगे? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ? भाजपा के साथ क्यों? भाजपा ऐसा क्या कर रही है? सब सारा विकास तो वहीं कर रही है। अच्छा, आज तक वो लोग किया क्या है? ऐसा क्या खास है मोदी में कि मोदी के साथ ही जाएंगे? क्या बुराई है मोदी में, आप ही बताइए। मोदी में बुराई है ना, आप लोग को 370 हटाया, मंदिर बनवाया, आज इकोनॉमी रेट यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त है हम पश्चिमी चंपारण के छपुआ बाजार में, जहां पर चुनाव के मुद्दे पर लोगों से बात करने जा रहे हैं। जी हां, बता दें कि इस बार लोगों का रुझान किस तरफ है, लोगों ने क्या मन बनाया है, क्या वो एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं या फिर इंडी गठबंधन को वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसी मसले पर बात करने वाले हैं, तो आइए जुड़ते हैं कुछ लोगों से, जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इस बार वो क्या मन बनाए हैं। इस बार का क्या मन बनाए हैं आप? हम मन बनाया है एनडीए को बीजेपी को वोट देने। बीजेपी को? नाम क्या हुआ आपका? दूधनाथ भगत। अच्छा, क्या ऐसा खास है एनडीए में कि एनडीए के साथ जाने? पारंपरिक हम हमेशा वोट देते आए हैं, इस बार भी देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है संजय जायसवाल से गुस्सा भी है। वो गुस्सा करने वाले लोग जाति पर आधारित गुस्सा करने वाले लोग हैं। अच्छा। बड़े जाति के हैं वो, बड़े लोग बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो वोटर है उनका सो हमेशा दिया है, वो इस बार भी देने जा रहा है। और आपके क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? विकास तो जो जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो यहाँ पर कोई खास विकास नहीं है, लेकिन पहले से बहुत शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं बहुत। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी का ये कहना है कि हम जो है अब लोगों को देखकर चल रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लोगों के हित का ध्यान रख रहे हैं, क्या ये तमाम बातें सही है? गाँव में तो महिलाओं के लिए बहुत सा योजना, जो पैसा मिल रहा है लोगों को एथी से समिति से, अपना अपना लोग अपना रोजगार छोटा मोटा किया है और पैसा से अपना खुशहाल जिंदगी भी जी रहा है, कमा कर दे रहा है, उससे बहुत फायदा। अनाज मिलता है? अनाज मिलता है। अच्छा, उससे कोई फायदा होता है अनाज से? जी 50% तो हम लोगों को फायदा हो जाता है उससे, 50% अलग से काम करना पड़ता है। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी अनाज देकर लोगों को अपंग अपाहिज बना ना, वो कुछ वो ऐसा बात नहीं है। ये बोलने वाले लोग ही खुद अपाहिज हैं। हाँ। जो कुछ करने वाले नहीं है ना करेंगे। हाँ। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? मिला है। मिलता है? हाँ। क्या योजना का लाभ मिलता है हमको? राशन वासन सब मिलता है, हर एक महीना फ्री मिलता है। अच्छा, राशन मिलता है तो इससे फायदा होता है क्या? फायदा होता नहीं है, राशन मिलता है। किस तरीके से? मान कर चलिए अगर जिस घर में अगर जैसे 5 परिवार है, उस 5 दिन अगर हमको काम नहीं मिला तो वही राशन हम लोग खाते हैं। वही राशन तो खा रहे हैं। कई लोगों से बात किए हैं इस मुद्दे पर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो गाँव में गए तो लोग का कहना है कि बहुत लोग ऐसे बोले कि मोदी सरकार अनाज देती है तो अपाहिज और अपंग बनाती है। ना नहीं, बात जो भी वो कह रहे हैं वो लोग गलत बात बोल रहे हैं। मैंने नहीं होता है कि मान कर चलिए जैसे हम बीजेपी से जुड़े हैं, वो लोग चाहते कि बीजेपी से ये लोग हट जाए। देखिए, जिनका अगर वोटर अगर सही है वो कभी भी बीजेपी को छोड़ कर नहीं जा सकता है। तो इस बार मतलब साथ क्या निभाएंगे बीजेपी? हम बीजेपी के लोग हम देंगे वो। अच्छा, कोई बीजेपी का ऐसा कोई एजेंडा बताइए जो आपको प्रभावित करता है? देखिए, गली गली आप लोग शहर सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, नल जल का बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ जाना चाहेंगे आप, मोदी सरकार को देंगे? मोदी सरकार को देंगे? अच्छा, ये तो बोले कि चलिए अनाज देते हैं तो अच्छी बात है, इसे 50% हमारा बोझ हल्का होता है, इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है एकदम जी। आप भी योजना का लाभ लेते हैं तो क्या परिवार में क्या बातें होती हैं? मोदी को हम लोग देंगे, सीधे जाएंगे उनको, हाँ उनको, हाँ उनसे लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, 2000 रुपया आ रहा है उनका, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। लेकिन विपक्ष कहती है कि वो जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं, हम लोग जिनको वोटर है उन्हीं को देंगे। हाँ, ये बात सही है। क्या लगता है बाबा जी, नाम क्या हुआ पहले ये बताइए? प्रेमचंद मिश्री जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किनके साथ जाना चाहेंगे? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ? भाजपा के साथ क्यों? भाजपा ऐसा क्या कर रही है? सब सारा विकास तो वहीं कर रही है। अच्छा, आज तक वो लोग किया क्या है? लालू यादव चाहे कोई का किया है, तो लालू यादव तो कह रहे कि भाजपा देश को खतरे में डाल रही है। वो कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, मोदी सरकार 5 किलो अनाज देते हैं क्या? देते हैं।
देते हैं, फायदा होता है उससे? जरूर फायदा। लेकिन आप अपाहिज और अपंग नहीं बनाते हैं? अपाहिज और अपंग नहीं बनाते हैं अनाज दे करके? ना तो ये सब बातें बोलने वाले लोग गलत बोलते हैं क्या? तो भी नहीं, अपाहिज बना जो अपाहिज है सो उसको कौन देगा खाना? अच्छा, क्या लगता है कि इस बार मोदी के साथ जाना चाहिए? और भी लोग हमारे साथ है, क्या लगता है किसके साथ जाना चाहिएगा इस बार? मोदी के साथ। मोदी के साथ ऐसा क्या खास है मोदी में कि मोदी के साथ ही जाएंगे? क्या बुराई है मोदी में आप ही बताइए। मोदी में बुराई है ना, आप लोग को 370 हटाया, मंदिर बनवाया, आज एक नॉमिनी रेट यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, और क्या चाहिए मोदी से देश को? आज अमेरिका जैसा देश इंडिया के आगे झुकती है, दूसरा क्या चाहिए? युवा कहते हैं नौकरी नहीं है, लोग कहते हैं देश में महंगाई है, विपक्ष कहती है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। इससे पहले कांग्रेस के 60 वर्ष में IPS IAS बना दिया लोगों को क्या? आप ही बताइए, आज तक कांग्रेस की सरकार 60 वर्ष थी ना, IPS IAS कहाँ बना है लोग? 10 वर्ष में आप पढ़िएगा नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अनाज का भी बहुत लोग विरोध करे कि अनाज देकर वो लोगों के दिमाग में ये भर रहे हैं कि लोग काम काज नहीं कर रहे। ये सही है, अमीरों को राशन मिला, गरीबों को नहीं मिल रहा। परसेंटेज है कि अमीरों का राशन हो गया, गरीबों का नहीं हुआ। तो किस तरीके से इसमें क्या धांधली होती है क्या? कोई धांधली नहीं होती है, मिलता है सबको। हाँ। जनरली मिलता है। हाँ। लेकिन राशन दे के ही अपाहिज बना रहे हैं लोगों को। अच्छा। इस जगह पर गलत है, तो राशन नहीं मिलना चाहिए। राशन मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए जो उस लायक है। ठीक है, आप युवा है, क्या लगता है ये जो बोल रहे राशन नहीं मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, सिर्फ अमीर इसका फायदा उठा रहे, इस बात पे क्या कहिए? गरीब को मिलना चाहिए, अमीर को काहे के लिए मिल रहा है? अमीर को तो सब कुछ है, गरीब के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी गरीब के पास नहीं है। अच्छा, आप युवा है तो आपका मुद्दा क्या है, किसके साथ जाना चाहिएगा? मोदी के साथ जाएंगे, दूसरा किसी का कुछ हम नहीं बूझते हैं, मोदी का जानते हैं, मोदी का सब कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, युवा ही कह रहे हैं। मोदी सब कुछ किया है, मोदी क्या नहीं किया है, मोदी तो बहुत कुछ किया है। हम मोदी को जानते हैं, दूसरे उसके अलावा दूसरा किसी को हम नहीं जानते हैं। तो मतलब आप कमल छाप के साथ ही जाएंगे? कमल छाप के पास जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे लोगों का कहना है कि हम एक बार फिर से मोदी जी पर विश्वास करने वाले हैं, क्या वो विश्वास करने लायक है? देखिए, जनता के पास में किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है कि किन पर विश्वास करे और किन पर ना करे। जनता इंतजार में 5 साल गंवाती है कि हमारी ई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, पर नहीं होता है, ये भी मजबूरी है। और अभी फिलहाल जो नरेंद्र मोदी का सरकार में जो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी भ्रष्ट लोग हैं, इसमें भी हैं। तो इतने साल कांग्रेस राज की, तो कांग्रेस ने क्या किया, मैंने क्या विकास हुआ देश का जो इनके रीजन में नहीं हुआ है, आप ही बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक और बात कह रही है, या लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे और ज़्यादा। और भी बातें हुई कि कांग्रेस ये भी कहती है कि मोदी सरकार संविधान और देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। नहीं, हम लोगों को तो किसी तरह का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये मोदी सरकार के रीजन में कोई खतरा है। मैंने देश जो है आर्थिक अर्थतंत्र के मामला में किस पावदान पर था, कहाँ पहुँच गया है, तो इसमें मोदी का योगदान है कि नहीं है, ये पूरा देश जानता है, देख रहा है। इसमें हर तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, हर तरह का लोगों का गुजर बसर हो रहा है। रह गया नौकरी का बात, तो नौकरी कोई सरकार, मैंने जितना बेरोजगारी है उतना भर्ती नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा इसमें। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए बौखलाने की जरूरत नहीं? ना नहीं है, संयम बरतने की ज़रूरत है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी का। तो मोदी जी का सरकार ही क्यों आना चाहिए? एकदम बिल्कुल काम सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। अनाज देखे लोगों को अपंग नहीं बना रहे? नहीं, पहले भी मिलता था, आज उतना मिल रहा है। हाँ। देश बिक जाता था, आज बिका हुआ है। हाँ। भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। और क्या, जंगल राज नहीं है। तो विपक्ष का बयान सुनते हैं क्या? सुनबे करते हैं। तो बोल रही है ना कि लोकतंत्र, देश, संविधान सब खतरे में। इतना दिन से कहाँ थे, इतना दिन से कहाँ थे वो लोग जो आज कह रहे हैं बचाने के लिए कह रहे हैं? ऑलरेडी मोदी जी हैं, तो मोदी के साथ ही जाना है, तय कर दिया एकदम बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? पहले इंडिया में घुस के पाकिस्तान मारता था, आज मोदी जी घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं। इससे बड़ा विकास और क्या चाहिए? शांति है कश्मीर में, पतलबाजी नहीं हो रही है। मतलब देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में है। G20 का मीटिंग करा दिए कश्मीर जैसा जगह में, इससे बेहतर और इंडिया के लिए क्या हो सकता है? मतलब इंडिया को ग्लोबली अच्छे तरह से रिप्रेजेंट, पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। मोदी ही देश की जरूरत है, अभी देश की जरूरत मोदी है, मोदी ही है। तो
तो मोदी के साथ जाएंगे, मोदी के हर हाल में जाएंगे मोदी के साथ। तो सुना आपने, इस वक्त हम लोगों से बात कर रहे थे जहां पर लोगों ने मोदी को लेकर सकारात्मक जताई है अपनी बातों को और कहा है कि हम मोदी के लिए ही सकारात्मक है। लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने जो उपलब्धियां दी हैं, मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है, हमारी सरकार जिस तरीके से हमें लेकर चल रही है, हम काफ़ी खुश है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार लोगों ने एक मन और एक मत बनाया है। यहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लोग मोदी के साथ जाना चाहते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं कि हम हर हाल में कमल छाप के साथ जाएंगे और मोदी का हाथ ही मजबूत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।